वास्तु पाठ 5 अनुवृत्ति ज्योतिष केंद्र। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूजा घर, पूजा पाठ, इसके अलावा आपको कैसे मूर्तियाँ और वो सारी चीज़ें रखनी हो बताता हूँ। ईशान कोण में ही पूजा घर हो, ये सबसे अच्छा होता है। इसी दिशा में पूजा के पास खिड़कियाँ हो तो और शुभ होता है, क्योंकि ईशान कोण, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी वास्तु पुरुष की, पहली स्टोरी कि जब उन्हें धरती में दबाया गया तो इसी दिशा में सारे देवी देवता थे, तो यहीं पर अगर ईशान कोण में अगर भगवान का मंदिर हो, भगवान का मंदिर तो खैर घर में नहीं होना चाहिए, मतलब पूजा घर हो, पूरी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, पूजा घर आप बना सकते हैं छोटा सा, तो यहाँ पर आपको ये ईशान कोण में ही रखना। देवी देवताओं की पीठ हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, या तो पूर्व में हो या उत्तर दिशा में हो, तो बहुत बढ़िया होता है। सीढ़ी के नीचे बाथरूम शौचालय के बगल में ये पूजा घर नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी, मूर्तियां दीवार पर सटा कर कभी नहीं रखें, 2 फीट दूर रखें उनसे, कभी भी मूर्तियों को दीवार से सटाना नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा बीम के नीचे नहीं लगाना है, फर्श के नीचे गाय के गोबर की एक कहने का मतलब कि जब भी फर्श बनवा रहे हैं या कुछ बनवा रहे हैं तो वहाँ गाय के गोबर से एक बार उसको लीप दें और फिर फर्श बनवाएं। देखिए गोबर अब रोज़ तो आप लीप नहीं सकते, क्योंकि आजकल टाइल्स आ गए हैं, मार्बल आ गया है, दाना आ गया, तो इस तरह की चीज़ें अब संभव नहीं है, लेकिन जब आप फर्श बनवा रहे हैं तो नीचे पूरा गोबर से एक बार उसको लीप दें, ताकि हमेशा के लिए वो क्या रहे, उसके कुछ थोड़ा बहुत उसका असर ज़रूर रहे। तो ये चीज़ें आपको करनी है हमेशा, पूजा घर का भी करना और पूरे घर का करें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पूजा घर से संबंधित, तो एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, ईशान कोण में पूजा घर बहुत बढ़िया होता है, इस दिशा में पूजा घर के साथ खिड़कियाँ और भी अच्छी हैं, जो देवी देवताओं की जो पीठ होगी वो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होगी, सीढ़ी के नीचे, टॉयलेट के बगल में, शौचालय, बाथरूम के बगल में, ये कभी नहीं होना चाहिए। मूर्तियाँ दीवार पर सटा कर कभी नहीं रखनी चाहिए, मूर्तियाँ 2 फीट दूर रखनी चाहिए, बीम के नीचे नहीं होना चाहिए, फर्श के नीचे गाय का गोबर एक परत जरूर डाल दें, जब फर्श आप निर्माण कर रहे हैं, फर्श या छत डाल रहे हैं, सॉरी, जब फर्श बना रहे हैं तो वहाँ पर उसके नीचे एक परत गाय का गोबर जरूर डालना चाहिए। तो ये था वीडियो वास्तु पार्ट 5, पूजा घर कैसा करना है। हाँ, पूजा घर को भी साफ रखना है, पूजा घर का जो कपड़ा है बिल्कुल वहीं पर रहेगा, पूजा घर को नहा धो के ही छूना चाहिए, और थोड़ा सा वो जो महिलाओं का एक समय आता है उसमें थोड़ा सा पूजा घर में थोड़ा सा दूरी रखें। इस तरह की चीज़ें हैं कि पूजा घर में भी आपको जाला मकड़ी नहीं होने देना है, वहाँ पर भी बल्ब और प्रॉपर दीपक जलने चाहिए, साफ सफाई वहाँ भी रखना बहुत ज़रूरी है। मूर्तियों पे जो आपने फूल चढ़ाए, मूर्तियों पे जो आपने टीका वगैरह लगाया, उसको रोज़ आप हटा के फिर से नया टीका, उनको पूर्वत अगर मूर्तियाँ तो उनका स्नान आप करा सकते हैं अगर धातु की हैं तो। ये था वीडियो वास्तु पार्ट 5 पूजा घर, धन्यवाद, अगली वीडियो तक नमस्कार।